बिजनेस का एबीसीडी मालूम है नहीं है तो काला बिजनेस में फंस रहा है। ए बाप दादा कोई दुकान के मुंह देखवे नहीं किया, तू दुकान खोल के तुमको बर्बाद होना है का? और न जाने ऐसे कई तरह के बातें जो आपको एक सफल बिजनेसमैन बनने के सपने को चकनाचूर कर देती है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में हम जानकारी देंगे जिस टिप्स के सहारे आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं और आप अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जा सकते हैं। तो सबसे पहला टिप्स मेरा ये रहेगा यहाँ पे, आप संपर्क सूत्र जो है वो मत घटाइए। संपर्क सूत्र घटाने से मतलब आपको ज्यादा नुकसान होगा। मान के चलिए दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो किसी न किसी मतलब स्पेशलिटी की लेकर के बैठे हुए हैं। हर एक इंसान के अंदर एक खासियत है, तो हो सकता है आप जिससे मतलब थोड़ा सा खराब व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के कारण से उस व्यक्ति के पास कुछ अच्छा आइडिया है आपके बिजनेस के लेकर के, या हो सकता है वो आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत जो है कि पैसों के ऊपर जो है लगानी कर देगा, थोड़ा बहुत आपको पैसे से हेल्प कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से मतलब आप संपर्क में रहिए। ऐसे व्यक्ति आप चाहे आप अगर जॉब वगैरह करते हैं तो जॉब वगैरह में भी अगर आपके एम्प्लॉय हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं, बॉस वगैरह हैं, उन सभी से राय सलाह जो है वो लेते रहिए अपने बिजनेस के ऊपर कि मैं ये ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा क्या सफल हो पाएगा। हर एक व्यक्ति की राय जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है। बाद में करना आपकी मर्जी है, बाद में आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा, लेकिन राय सलाह जो है ये सबकी लेनी चाहिए। तो एक ये हो गया, आप किसी भी व्यक्ति से संपर्क सूत्र जो है वो मत घटाइए। अगला टिप्स के बारे में हम बात करते हैं। अगला टिप्स ये है कि मैं छोड़ दूंगा आगे चल के, ये प्रण अपने आप से कीजिए कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मान के चलिए अगर बिजनेस है कभी घाटा होगा कभी नफा होगा, तो ऐसे में जब घाटा में जा रहा है बिजनेस तो ये मत सोचिए कि मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। पहले ही मनसा बना लीजिएगा कि हाँ चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो मैं छोड़ दूंगा। अगर ऐसे मनसा बना करके आप बिजनेस में कदम रखते हैं तो फिर असफल हो जाएंगे। ऐसा मनसा बिल्कुल मत बनाइए। चाहे आप भले ही आपके पास पूंजी कम हो तो आप कम लगानी कीजिए, कम इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन कभी ये मत सोचिए कि अगर मैं इस बिजनेस में गया अगर मुझे मुनाफा नहीं होता है तो मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, ऐसा मत कभी नहीं सोचिएगा। अगला टिप्स की हम बारे में बात करते हैं। अगला टिप्स के बारे में हम ये बोलेंगे आपको कि जो है अपने परिवार के जो लोग हैं उन सभी से सलाह लीजिए। छोटे से छोटे बच्चे जो है आपको आपके बिजनेस के प्रति आपके प्लान के प्रति कितना इंटरेस्ट रखता है इस चीज को जानिए, क्योंकि आपके फैमिली का हर एक मेंबर जो है आपके बिजनेस प्लान के ऊपर रुचि रखे तभी आप कदम उठाइए आगे, क्योंकि फैमिली की खुशी ही आपकी खुशी है। और अगले टिप्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको निरंतर देना होगा, यानी कि आप अपने दुकान के ऊपर जो है कि निर्धारित समय जो समय है आप सुबह 8-9 बजे 10 बजे जो भी समय आप टाइमिंग सेट करते हैं उस टाइम से लेकर के अब रात में शाम तक या रात तक उस मार्केट में कितना भीड़ रहता है, कितना चहल पहल रहता है, उस हिसाब से अपने दुकान की टाइमिंग को सेट कीजिए। और हाँ, दुकान की टाइमिंग के वक्त में ही आप अपना जो थोड़ा बहुत जो काम वगैरह बचा रहता है उसको सलटा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी दिन 12 बजे दुकान खोल रहे हैं, 1 बजे दुकान खोल रहे हैं, 10 बजे, मतलब कोई टाइम उसका फिक्स ही नहीं है, तो ऐसे में आपके कस्टमर के ऊपर जो है कि बुरा असर पड़ेगा। अरे उनका दुकान तो कब खुलता है कभी नहीं खुलता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपको एक टाइमिंग जो है वो सेट करना चाहिए। होता क्या है कि कभी दोस्त वगैरह आ गए या कुछ शेड्यूल वगैरह में थोड़ा सा चेंजिंग लाना हो, तो ऐसे में करना क्या चाहिए आपको कि आप जो निर्धारित समय में जो दुकान खोल रहे हैं उसी समय में ये जो छोटी मोटी जो काम है उसको सलटा लीजिए। तो एक छोटे से काम के लिए अगर आपको दुकान बंद करना पड़ रहा है तो दुकान बंद करेंगे, हो सकता है कस्टमर का कोई मतलब टाइम फिक्स नहीं रहता है कि वो कब आ जाए, तो आप दुकान बंद करके उधर गए और इधर कस्टमर आ गया तो इससे कस्टमर के ऊपर जो है कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, कहेंगे दुकान के ऊपर तो कोई टाइमिंग नहीं है, कब बंद करते हैं कब खोलते हैं। तो ऐसा चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो सुबह 9 बजे का टाइमिंग सेट किया है तो सुबह 9 बजे आपको किसी भी हर हाल में आपको दुकान खुल जाना चाहिए, तभी जाकर के आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब अगले टिप्स की हम बात करते हैं। तो अगले टिप्स में जो है कि थोड़ा सा पैसे की जो है जो मैनेजमेंट होता है वो करना होगा। अगर आपके पास जो है कि पैसे का जो स्रोत है, आपके पास इतना पैसा है कि आप एक बिजनेस को रन कर सकते हैं तो आप जरूर से कीजिए। अगर पैसा नहीं है तो कहीं से जैसे कि लोन वगैरह, कहीं से कर्जा वगैरह लेने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं से कर्जा भी नहीं मिल रहा है तो अपने ऐसे दोस्त वगैरह, अपने ऐसे रिश्तेदार को खोजिए, ढूंढिए कि वहां से मतलब कुछ आप जो भी थोड़े बहुत रकम हो वो हेल्प के तौर पे मिल जाए। वैसे तो ये कलयुग का जमाना है, यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करना कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हमसे ये आगे बढ़ के निकले, तो मतलब मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप प्लान उनको बताइएगा कि हम मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं ये काम करूंगा, इस बिजनेस में लगाऊंगा, आपको इतने दिन में मैं रिटर्न कर दूंगा, कुछ मतलब अपने प्लान शेयर करेंगे तो अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो जरूर से आपको हाँ कहेंगे।
तो अब ये तो पैसे की बात हो गई। अब अगला हम बात करेंगे, अगला बात हम ये करेंगे जब हम दुकान स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम दुकान स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि जो मेरे पहचान वाले हैं, जो मेरे रिश्तेदार वगैरह है, जो मेरे करीबी है, वो मेरा ग्राहक बनेंगे। तो ऐसा मतलब बहुत कम होता है, 10 में से 8 ऐसे कस्टमर होंगे जो आपके पहचान के नहीं होंगे। 1-2 कस्टमर ऐसे होंगे जो आपके पहचान वाले होंगे, जो आपके कहने पे आपकी दुकान के अंदर एंटर करेंगे कि हाँ आइए देख लीजिएगा थोड़ा बहुत जो भी हो। तो 10 में से केवल 1-2 ही कस्टमर ऐसे होंगे जो आपके पहचान के होंगे, और वो आपके कहने पे आपका मन रखने के लिए आपके दुकान पे आएंगे, और छोटा मोटा वो भी जो भी खरीदारी करना होगा वो खरीदेंगे। आप जिस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं उस लेवल के बिजनेस के लिए मतलब विज्ञापन करना कितना मुनासिब है, उसके हिसाब से अगर आपके दुकान को अगर ऐसा लगता है कि मुझे विज्ञापन करना चाहिए, तो ऐसे में आप पीछे मत हटिए। छोटे मोटे जो भी पोस्टर वगैरह होते हैं, बैनर वगैरह होते हैं, ये आप छपवा करके लोगों में बंटवा भी सकते हैं, पर्ची वगैरह। और ये विज्ञापन के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस तरह के विज्ञापन आपके दुकान के लिए सूटेबल है, इसके लिए मैं अलग चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको केवल मैं ये टिप्स वगैरह जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये हो गया आपको कैसे कस्टमर जो है ऐसे कि आपके दुकान में स्टार्टिंग में आएंगे, तो 10 में से 8 कस्टमर ऐसे आएंगे कि जो आपके पहचान के बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन उन्हें सामान की खरीदारी करनी है। तो ऐसे में रेट अच्छा दे दीजिएगा तो आपका रेगुलर कस्टमर बनेगा, अगर नहीं दिए तो बस लेना होगा तो लेगा, नहीं तो निकल पड़ेगा, और हो सकता है दोबारा आपके दुकान पे आए ना भी आए। तो ये हो गया। और अगले टिप्स की हम बात करते हैं तो पुनः लगानी, यानी कि अगर जैसे कि आप दुकान किए, दुकान करते ही अगर आपके बिजनेस में पहले ही महीने कुछ इनकम आता है, जो प्रॉफिट आता है, तो समझिए कितना ज्यादा खुशी होता है। अरे यार ये मेरे खून पसीने की कमाई है, इसे मैं ये करूंगा वो करूंगा अपने दुकान के लिए, मतलब ये सजावट करूंगा अपने लिए, घर अपने लिए, मतलब जो भी जरूरियात की चीजें होते वो पूरा करने की ओर मतलब मनसा बन जाता है लोग कि मैं बड़ा मोबाइल लूंगा या लैपटॉप लूंगा, कंप्यूटर लूंगा, मतलब कई तरह की ऐसी ख्वाहिशें जो है वहां से खुलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ख्वाहिशों को कुछ दिनों के लिए आप और रोक के रखिए, क्योंकि जो आपका इनकम आया हुआ है, इस इनकम से जो अति महत्वपूर्ण है, जो ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, वही चीजें खरीदिए। बाकी का जो पैसा बचता है, बाकी का जो इनकम आया हुआ पैसा अगर आपके पॉकेट में बच रहा है, तो उससे आप अपने दुकान में, उससे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि 1 या 2 वेराइटी जो है और कवर हो जाए, और लोगों को मतलब आपकी दुकान से रिटर्न जाने की जरूरत न पड़े। जैसे जैसे आपका इनकम दुकान से आ रहा है, अपनी जरूरतें को, छोटी छोटी जरूरतों को पूरी कीजिए। ज्यादा बड़ी जरूरतों को पूरी कीजिएगा तो हो सकता है आपके बिजनेस जो है से कि थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, तो जो इनकम आ रहा है उसको फिर से लगाने कीजिए अपने ही दुकान में, तभी जाकर के आपका दुकान एक बड़े लेवल का दुकान बन पाएगा और मार्केट के कंपटीटर को अच्छे से कम्पीट कर पाएगा। तो दोस्तों यही कुछ टिप्स है जिस टिप्स के सहारे आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप अपने बिजनेसमैन बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टिप्स आपको जान करके कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हाँ, मुझसे अगर कोई सामान परचेजिंग करना हो अपने मतलब पर्सनल यूज के लिए, अपने घर परिवार के लिए कपड़ा वगैरह खरीदना होगा, तो नीचे में मेरा कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मैं हो सकता हूँ जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता रेट आप लोगों को मैं दूंगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ चैनल पे नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।